नमस्कार, मैं हितल पटेल आपका स्वागत करती हूँ उभरता गुजरात न्यूज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज 1-1 के बराबर पर है। सभी मैच अहमदाबाद में ही खेले जाएंगे। तीसरा मुकाबला 16 मार्च को खेला जाएगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही T20 सीरीज पर कोरोना का संकट आ गया है। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। यह मैच 16, 18 और 20 मार्च को खेले जाएंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की है। सीरीज से पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने 100% फैंस को एंट्री की बात कही थी। इस फैसले को पहले मैच से ठीक पहले रद्द कर दिया गया था। साथ ही 50% फैंस को एंट्री की मंजूरी दी गई है। नथवानी ने कहा था कि BCCI से सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। तीनों मैच के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अहमदाबाद के कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नथवानी ने अपील की है कि जिन दर्शकों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिली है वे मैच देखने के लिए स्टेडियम में ना आए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 में 67,200 फैंस मौजूद रहे थे। यह कोरोना के बीच लॉकडाउन के बाद खेले गए किसी भी क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड है। इस स्टेडियम की क्षमता 1.32 लाख दर्शकों की है। कोरोना के चलते अब यह स्टेडियम बाकी 3 मैच में खाली रहेगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 T20 की सीरीज 1-1 से बराबर पर है। सभी मैच अहमदाबाद में खेली जाएगी। तीसरा मुकाबला 16 मार्च को खेला जाएगा। पहला मैच इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीता था। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए हमारे ऐप उभरता गुजरात को डाउनलोड करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।